गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम जा रहे हैं पुरखौती मुक्तांगन, और अभी हम हैं नया रायपुर के चांदनी चौक में। तो चलते हैं। यहाँ से मुक्तांगन की दूरी 5 किलोमीटर है। यहाँ से सीधा जाएंगे तो थोड़े ही दूर में ऊपरवारा गांव मिलेंगे, और जो राइट वाला रास्ता है वो जाएगा मुक्तांगन, और यहाँ से मुक्तांगन की दूरी है 1 किलोमीटर। और ये है ट्रिपल आईटी कॉलेज। तो हम लोग पहुंच गए हैं मुक्तांगन, और जो आपको सामने दिख रहा है वो है मुक्तांगन। तो गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं मुक्तांगन, और ये है इसका एंट्री गेट। अब हम लोग जाएंगे टिकट कटवाने, तो चलते हैं। और ये है टिकट काउंटर। मैं दो टिकट ना दो तो गाइज, हम लोग अब ले लिए हैं टिकट, अब जाएंगे अंदर। तो गाइज, हम लोग अब आ चुके हैं मुक्तांगन के अंदर में, और ये है सामने का नज़ारा। तो अब चलते हैं अंदर की ओर। और ये है बैगा चौक जो आप देख रहे थे। और इधर है शिल्पग्राम, और इस तरफ है डंडा मीडिया पथ। अभी हम जाएंगे सीधा, तो चलते हैं। यहाँ पे फव्वारा भी बनाया गया है, लेकिन इसको चालू नहीं किया जाता, सिर्फ शूटिंग के टाइम ही चालू किया जाता है। इसका उद्घाटन महामहिम डॉक्टर APG अब्दुल कलाम द्वारा 7 नवंबर 2006 में किया गया था।
आपको आमचो बस्तर का नज़ारा दिखाने जा रहे हैं जो यहाँ मुक्तांगन में बना हुआ है। यहाँ पे हम आपको आमचो गांव का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। और ये है सिंह डेराऊ। दशहरा विधान चित्रण जो कि अंदर पे बना हुआ है हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे जो बना हुआ है पूरा बस्तर का नज़ारा है जो बस्तर में ऐसे बनाया है। अब हम जाएंगे पोलंग मट्टा जो जनजाति देवी देवताओं का विश्रांति स्थल है। और यह है पोलंग मट्टा। तो यहाँ से दिखता है पूरे मुक्तांगन का नज़ारा, बहुत ही बेहतरीन दिखता है। ये मुक्तांगन बहुत ही बड़ा है तो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पूरा लकड़ियों से घर बनाया गया है और नीचे भी लकड़ी है। हम लोग जा रहे हैं नीचे। और ये है नारायणपाल मंदिर। अंदर क्या है उसको दिखाने, तो हम आ गए हैं अंदर और यहाँ पे कुछ बना नहीं है, खाली है। पत्थरों से बना है, पत्थरों से बनाया गया है।
राव देव। जो बस्तर का जनजातीय लोक देवता, और यह है घोटुल जो बस्तर के माड़िया जनजाति का पारंपरिक सांस्कृतिक केंद्र है। बस्तर का माता गुड़ी जो ग्राम देवी देवताओं का पारंपरिक पूजा स्थल है। यहाँ पे लकड़ियों पर शिल्पकारी करके मूर्तियाँ बनाई गई है। और यह है बस्तर का माता गुड़ी, और यह है लकड़ी का झूला, और यह है बूढ़ी माँ, और यह है लोहार जनजातियों का घर, और यह है लोहार जो अपना कार्य कर रहे हैं, और उसके माड़िया लोन। यहाँ पे लकड़ियाँ और घासों से घर बनाए गए हैं। और यह है बस्तर का कोया लोन आवास गृह है जो आप मुक्तांगन में आकर पूरा बस्तर का नज़ारा देख सकते हैं। आपको बस्तर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगा। और यह है मुरिया लोन। यहाँ पर ज़्यादातर घरें मिट्टी और लकड़ियों से बनाए गए हैं। और यह है धुरवा होले आवास गृह। यह है बस्तर का ढेकी जो हमारे तरफ मिल में पिसाई करते हैं, उन लोग इसी में पिसाई करते हैं अपना। और ये है छोटा सा घर जो लकड़ियों का बनाया गया है। और यह है जंतरा गुड़ी जो जनजातीय देवी देवताओं का आह्वान और बलि पूजा स्थल है। बस्तर जनजातियों के लोग इन्हीं को पूजते हैं। यहाँ पे पूरा लगभग बस्तर का नज़ारा बना हुआ है और घरें भी बने हुए हैं। और यह है शिव जी का मंदिर जो पूरा पत्थरों से बनाया गया है और उस पर शिल्पकारी करके डिजाइनें बनाई गई हैं। यहाँ पे पूरा एक गांव का नज़ारा बनाया गया है। अब हम आपको ले जा रहे हैं गौतम बुद्ध जी का मंदिर दिखाने। और यह है गौतम बुद्ध जी का मंदिर जो कि ताला लगा है, लेकिन हम लोग खोल के आपको दिखाएंगे। ये है गाइस बुद्ध देव का मंदिर, और ये है गौतम बुद्ध जी। मुक्तांगन का सबसे हमारा बोले तो फेवरेट जगह है हमारा, जो ताला लगा रहता है लेकिन हम लोग हमेशा तोड़ के आ जाते हैं। तो देख लीजिए, तो चलते हैं और आपको बाकी नज़ारा दिखाने। अब गौतम बुद्ध जी का मंदिर तो देख लिया, अब जाएंगे हम नीचे की ओर। गाइस अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ का ताजमहल जो मुक्तांगन पे बना हुआ है। यहाँ का ताजमहल जो बन रहा है पूरी तरह से बना नहीं है,
तो देख लीजिए। यहाँ पत्थरों से एक और मंदिर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और ये है एक वाटरफॉल जो पत्थरों से बनाया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सब को सिर्फ शूटिंग के टाइम ही चालू किया जाता है। यहाँ पे पत्थरों से एक और मंदिर बनाया गया है जिसमें पत्थरों पर शिल्पकारी करके बहुत से मूर्तियाँ बनाई गई हैं जो आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे लकड़ियों पर शिल्पकारी कर बस्तरिया लोगों का पूरा चित्रण किया गया है और जानवरों का भी चित्रण किया गया है। और ये है कुम्हार का घर जिसमें पूरा मिट्टी से दीवार पर चित्रण किया गया है, आप देख सकते हैं। और ये है गाड़ा बैल जिसका उपयोग पहले के ज़माने में किया जाता था सामान ले जाने में। और ये है बांस का पूरा घर। तो गाइज हम लोग अब घूम चुके हैं बस्तर, अब हम जाएंगे शिल्पग्राम जहाँ पे पूरा शिल्पकारी करके मूर्तियाँ और बहुत से औजार बनाए गए हैं, तो चलते हैं। अब हम जा रहे हैं शिल्पग्राम और ये है यहाँ का कार्यशाला। आगे है गेस्ट हाउस और ये है बस्तर जनजातियों का मूर्तियाँ। जनजाति मुखौटा, यहाँ पे पूरे मुखौटा बनाए गए हैं बहुत बड़ा बड़ा। गेस्ट हाउस और ये है राउत नाचा जिसे यादव समाज के लोग दीपावली के समय घर घर जाके नाचते हैं। और ये है सुवा नृत्य, इसे भी दीपावली के समय गौरी गौरा की स्थापना के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए घर घर जाके नाचा जाता है। और ये है सुवा जिसे हिंदी में तोता बोलते हैं, नृत्य जिसे पुरुष जातियों द्वारा नाचा जाता है। और ये है बस्तरिया नृत्य जिसे बस्तर के लोग करते हैं। रजवार गिरी और ये है छत्तीसगढ़ का नक्शा जिस पर महापुरुषों का मूर्तियां बनाई गए हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जली स्टेट। यह
यह भी स्टार्ट नहीं है। यह जो पुरखौती मुक्तांगन है, इसका ज़्यादातर यूज़ सीजी मूवी या सीजी एल्बम बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सभी परंपराओं का वर्णन और चित्रण किया गया है। और ये है पायल। और ये है पंथी नृत्य, जिसे सतनामी समाज द्वारा एक दूसरे पर चढ़कर नृत्य किया जाता है। अब हम लोग लगभग पूरा मुक्तांगन घूम चुके हैं। यह है गेड़ी नृत्य, जिसे लकड़ियों का गेड़ी बनाकर नृत्य किया जाता है। एक और जलप्रपात। तो गाइज हम लोग अब घूम चुके हैं पूरा मुक्तांगन, अब जाएंगे हम लोग घर। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। बने रहें हमारे चैनल पे।